हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो भी बात की अभी तक काफ़ी डिटेल में डिमांड साइड को समझा है पिछले वीडियोस में, 5-6-7 वीडियोस लगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन में भी इस तरह की गलतियां करते रहते हैं, तो हमारे सिलेबस में वो बॉक्स में भी दे रखा है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया। हमारा वही चैप्टर चल रहा है, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। इसमें हम लोग इस बार जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ लोगों ने पूछी भी थी। तो देखो, मनी को देखने के अलग अलग मेजर्स होते हैं। मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में बताया था कि हाथी है और मुझे अंधा बना दिया गया है, तो मैं देख तो सकता नहीं, पूरे हाथी को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं छू करके अगर समझ रहा हूं तो मुझे पूरी पिक्चर नहीं मिल रही है ना। और एग्जैक्टली वैसा केस नहीं है, लेकिन काफी हद तक वैसा केस है। मनी क्या है? मैंने बताया कि मनी कोई ऐसी चीज है जिसको तीन प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। स्टार्टिंग में याद करिए क्या क्या था। सबसे पहले तो आप उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आपको कोई दूसरा सामान खरीदना है तो आप उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से पेटीएम वॉलेट भी मनी हो गई है ना। जो आपके बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स रखे हुए हैं क्योंकि आप चेक इशू कर सकते हो तो वो भी मनी होगी, एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हो वो भी मनी हो गई, सीधे सीधे अपने एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बिजनेस को पैसे पेमेंट कर सकते हो तो वो भी मनी हो गया। फिक्स डिपॉजिट भी कई लोग तुरंत तोड़ सकते हैं, ऐसा अब फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है कि आप नहीं ही तोड़ सकते, अगर आपने एफडी करा रखी है तो आप तोड़ लेते हो, तो उसको भी आप मनी की तरह यूज कर सकते हो। फिर लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करके रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खोले आते हैं, तो उनको इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी चीजें आती हैं, तो अगर आप देखोगे तो सारी चीजें ही मनी है। लेकिन हम लोग मनी को अलग अलग तरह से भी समझते हैं, क्यों? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या था? जो मेनली करेंसी हुआ करती थी मेनली, उसको हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। करेंसी प्लस जो बैंकर्स हैं, बैंक्स हैं, उनका आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट है और आरबीआई में जो बाकी डिपॉजिट है, इसको मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं हाई पावर्ड मनी। अच्छा, उसी को हम लोग एम जीरो से रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी किताब में एम जीरो नहीं दे रखा है, एम वन दे रखा है। एक आप में से किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हम लोगों ने जब एम वन अभी कुछ जगह पर पढ़ा हुआ था तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। ठीक, एक्चुअली क्या होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इसको बोलना चाहिए, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई नहीं लिखा हुआ था तो, क्योंकि बुक में ही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर हम लोग जो मेन चीज फोकस कर रहे थे वो ये था कि करेंसी को हम लोगों ने जीरो मान करके चला हुआ था और डिमांड्स को हम लोग दिखा रहे थे कि किस हिसाब से जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो आपके 500 बन जाते हैं जब आपने 100 रुपए जमा किए थे और आपका सीआरआर 20% था। तो वहां पर जो मनी क्रिएशन वाली प्रोसेस थी वो समझाने की बात की गई थी, इसलिए वहां पर एम वन लीगल टेक्निकली लिखना पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बुक की टर्मिनोलॉजी थी उसलिए वहां पर ऐसे लिख दिया। और बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है क्योंकि करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स को ही बोला करते हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई जो काफी छोटा पार्ट होता है। तो खैर, इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करते हैं फटाफट, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुद्रा की आपूर्ति, विभिन्न माप क्या क्या होते हैं, मनी डिमांड पढ़ लिया, आपूर्ति की साइड पर अलग अलग माप होते हैं, क्या होते हैं, मेजर्स। द सप्लाई ऑफ मनी वेरियस मेजर्स क्या क्या है, होता क्या है। मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण, मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी हमारे देश में कौन सी है, आरबीआई है, जो देश में पैसे ऐसे को छाप करके देती है, सर्कुलेट करती है सारी चीजों को, द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्के आते हैं। तो सिक्के और नोट ये आ जाते हैं। अब हमारे यहां समझ लीजिए कि जो भी सिक्के होते हैं ना वो हमारी आरबीआई इशू नहीं करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इशू किए जाते हैं। साथ ही में एक रुपए का नोट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही सर्कुलेट करती है। लेकिन देश में आपको याद है जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे, कुछ कुछ 86% या 83% ऐसा कुछ नंबर था कि पूरे देश में जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसका 83% गायब कर दिया गया था। मतलब उस टाइम पर 500 और 1000 रुपए के नोट सबसे बड़े नोट हुआ करते थे, तो टोटल करेंसी का जो अमाउंट है उसमें बड़े नोट्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और अब आप सोचो एक रुपए और सिक्कों का क्या ही हिस्सा होता होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो एक ही अथॉरिटी है जो सब कुछ कर रही है, वो आरबीआई है, मॉनेटरी क्वाइंस को और नोट्स को इशू करने के टर्म्स में। क्वाइंस तो नहीं इशू करती है, टेक्निकली नहीं ही करती है आरबीआई, लेकिन क्वाइंस की वैल्यू नहीं है उतनी, पूरा जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें बहुत छोटा सा नाम मात्र का इनका योगदान है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सबसे प्रमुख और लगभग लगभग एकमात्र मॉनेटरी अथॉरिटी बोला सकता है आरबीआई को। अच्छा, क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में मौद्रिक प्राधिकरण है, मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक, फिर क्या हुआ,
हालांकि सिक्के और एक रुपए के नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किए जाते हैं। एक रुपए के नोट पर देखो सारे नोट्स पर किसके सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब के होते हैं, लेकिन जो एक रुपए का नोट होता है इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो सचिव साहब होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके साइन होते हैं। ठीक, इस टाइम तो हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब हैं शशिकांत दास, वो भी आईएएस ऑफिसर ही है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, करेंसी नोट और सिक्कों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते, क्यों? क्योंकि इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का डिमांड मतलब क्या होता है, जो आप मांग कर सकते हो। यही दोनों ऐसे खाते होते हैं जिस पर आपको एटीएम कार्ड मिलता है। एटीएम आपका एफडी खाता, तो एफडी खाते से आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, एटीएम से आप अपने चालू खाते से पैसे निकाल सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो चालू खाते से, और अगर आपका आप इंडिविजुअल हो तो आप बचत खाते से। तो डिमांड डिपॉजिट हम लोग इसको मानते हैं, इन दोनों को, बचत खाता यानी कि सेविंग्स अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग नहीं यहाँ पर काउंट करते हैं, सीधे सीधे को भी मुद्रा कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अभी फिक्स डिपॉजिट को भी कहा जाएगा लेकिन वो मुद्रा का अलग आयाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों का उपयोग, चेक भी आप लगा सकते हो। देखो चेक का हम लोगों ने इंडिजनाइजेशन कर दिया, चेक वैसे इंग्लिश वर्ड होता है ना, CHEQUE, तो चेकों लिखा हुआ है, बुक में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेकों का उपयोग संव्यवहार के लिए किया जाता है, ऐसी जमा को मांग जमा, क्या बोलते हैं, मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। नहीं, बात समझ आई, बात यह है कि जो आपकी करेंसी है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जहां से आप पैसे निकाल सकते हो, वो क्या क्या जाते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट, इनको मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं, मनी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है उनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो कौन कौन होता है, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट। अन्य जमा जैसे आवधि जमा या आवधिक भी बोलते हैं, आवधिक ये भी बोल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट, इनकी परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है। जैसे आपको अगर इनकम टैक्स में, टैक्सेबल इनकम में आप आते हो और आपको थोड़ी छूट चाहिए 1.5 लाख रुपए तक की, तो आप 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड की कुछ एफडी बनवाते हो तो उसको भी हम लोग उसमें छूट मानते हैं। तो 5 साल के लिए आपने जमा किया हुआ है ना, समझ रहे हैं, तो 5 साल के लिए अगर आपने जमा कर रखा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, 5 साल के टाइम पीरियड वाली एफडी को हम लोग बोल देंगे कि वो आवधिक जमा है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स टाइम के लिए है। ठीक है, इसे आवधिक जमा टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, 100 रुपए के कागज का मूल्य, अब देखो एक चीज ये समझो, तो हम लोगों ने क्या बात की, अभी तक हम लोगों ने मनी को किस किस तरह से देखते वो बात नहीं की, पूरी तरह से एक बेसिक आइडिया लिया कि यार करेंसी है जो लोगों के पास वो भी मुद्रा है, जो सिक्के हैं वो भी मुद्रा है, डिमांड डिपॉजिट्स भी तो मुद्रा हो गई, फिक्स डिपॉजिट का मुद्रा होगी कि नहीं होगी, तो अभी इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक से, अभी आप समझ लो कि जो 100 रुपए होता है ना, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, आप उस 100 रुपए के नोट से, आपको बहुत भूख लगी है, आपने एक नमकीन का पैकेट खरीद लिया और कुछ फल खरीद लिया, तो फल और नमकीन का पैकेट ये तो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका इनका कुछ उपयोग है, 100 रुपए का तो अदरवाइज कोई उपयोग नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था में आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक समझ रहे हैं, वो तो कागज है यार, कागज पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है इनहेरेंटली। 5 रुपए का सिक्का होता है, 5 रुपए के सिक्के में किसी चीज से हम लोग बनाते हैं, जो भी धातु लगा रहे हैं उस धातु की कीमत 5 रुपए से कम की होती है, तब भी हम उसको 5 रुपए के बराबर मान करके चलते हैं। ठीक, अगर 5 रुपए से ज्यादा होगी तो उल्टा हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, 5 रुपए के सिक्के घर में जमा करने लगेंगे, क्यों, क्योंकि उनको लगेगा कि यार सिक्के की जो धातु है वो तो ज्यादा कीमती है, तो हम ऐसा करते हैं सिक्के की धातु को कहीं और उपयोग कर लेंगे 5 रुपए से, क्योंकि ज्यादा वैल्यूबल हो गया। तो जानबूझकर हम लोग ऐसी करेंसी चलाते हैं जिसको बनाने में या जिसकी इनहेरेंट वैल्यू तो कुछ हो ही ना के बराबर हो। कागज का बना दिया, कागज आप फ्री में ले रहे हो, जैसे 1000 रुपए का नोट है वो कुछ 3 रुपए के आसपास कीमत आती थी उसकी बनाने में, एक टाइम पर मैंने ऐसे पढ़ा था जब पुराना 1000 रुपए का नोट आता था, तो 3 रुपए से आप बना रहे हो और आप उसको 1000 रुपए के बराबर यूज कर रहे हो वैल्यू, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है इसलिए समझ लो, यही बात लिखी हुई है, 100 रुपए के कागज का मूल्य नगण्य होता है, निश्चित रूप से 100 रुपए से कम तो होता ही होता है। इसी तरह जो 5 रुपए के सिक्के में धातु का मूल्य होता है वो भी संभवतः 5 रुपए नहीं ही होता है, 5 रुपए से ज्यादा होगा तो लोग गड़बड़ करने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे सिक्कों की, तो फिर लोग इन सिक्कों और नोट को उन वस्तुओं के विनिमय के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं जो स्पष्ट रूप से इनसे अधिक मूल्यवान है, है ना, क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। और साथ में एक और बात समझिएगा, जैसे कभी कभी ऐसा भी हुआ है, भारत में भी सिक्कों की चोरी हुई है अलग अलग टाइम पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि सिक्के की धातु की वैल्यू सिक्के की ट्रांजेक्शन वैल्यू से ज्यादा निकल गई, तो लोगों ने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, जो इलीगल होता है। खैर, पॉइंट हमारा क्या है कि जिस चीज से आप लेन देन कर रहे हो उसकी वास्तव में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो क्यों कर रहे हो लेन देन। ठीक, वो इसलिए करते हो क्योंकि जो आरबीआई होता है ना, करेंसी नोट और सिक्कों, इनका मूल्य इन मदों के जो प्राधिकरण होता है, जो अथॉरिटी होती है जिसने इनको जारी किया है, वो कहती है, उनके द्वारा एक गारंटी दी जाती है, नोट पर लिखा रहता है आई
प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और आरबीआई के गवर्नर साहब का हस्ताक्षर है। तो अगर आप नोट लेकर के बैंक पहुंच जाओगे तो वो आपको 100 रुपए की परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति के तुल्य आपको वचन देते हैं कि इस कागज के नोट की इतनी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, वो गारंटी दे रहा है, इस वजह से वैल्यू है। और हमारी अर्थव्यवस्था में सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट में ट्रस्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक कलेक्टिवली सारे लोग इस चीज को मानने लग जाते हैं क्योंकि हम लोग उसको ऑनर कर रहे हैं, ये सिस्टम ऑनर का है, ठीक। सारे लोग ने मान, तो इसको एक टर्म बोला जाता है इमेजिन रियलिटी, ठीक है, रियलिटी में तो कुछ भी नहीं है लेकिन सारे लोग अगर कलेक्टिवली भी माने तो उसको रियलिटी की तरह आ गया, लेकिन मान रहे ना इसलिए वो इमेजिन है। मैं इसको कभी अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो होता क्या है, नोट्स में इस तरह की चीज आ रही होती है, एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है लेकिन सारे लोग वैल्यू कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस अथॉरिटी ने उसको जारी किया हुआ है वो गारंटी देती है कि हम आपको इस नोट की अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी वैल्यू है, और सारे लोग मानते हैं, सारे लोग सम्मान कर रहे हैं। तो यहां से आ जाता है, ठीक है, प्रत्येक करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या हुआ? यदि कोई भारतीय रिजर्व बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक के समक्ष नोट प्रस्तुत करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस नोट पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उसने बोला कि मैं वादा करता हूं, तो ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। सिक्कों के संबंध में भी ऐसी बात होती है कि सिक्के पर लिखा हुआ है कि 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए की परचेसिंग पावर के बराबर उसकी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक। अच्छा, क्या हुआ? अतः करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी अथवा आदेश मुद्रा, क्यों? क्योंकि वास्तव में ये सोने चांदी के सिक्के तो है नहीं कि इनकी वास्तव में वैल्यू कुछ हो, वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको फियाट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियाट मनी। फियाट मनी, फियाट का मतलब होता है आदेश, आपको आदेश दे रखा है कि हाँ हम आपको पे करेंगे, आज्ञा पत्र है एक तरह का, तो इस वजह से उसको फियाट मनी बोलते हैं कि कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो 5,000 जो 100 रुपए का नोट है वो वास्तव में 100 रुपए का है, रियल टर्म्स में नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में है, ठीक। थोड़ा सा चीजें समझा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनका सोने और चांदी के सिक्कों की तरह कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, ठीक। इनको वैधानिक पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति की हम लोग विभिन्न माप की बात करने जा रहे हैं, तो उसी में जो वैधानिक माप होती है अलग अलग तरह की, वो क्या होती है उनको देखेंगे। इनको वैधानिक पत्र भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि नियम कानून के तहत आपको वैधानिक रूप से ये लागू किए गए हैं और इनको सारे लोग उस तरह से ऑनर कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार के संव्यवहार के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये तो कागज है, ये तो रद्दी है और मैं इसमें नहीं लूंगा, मैंने आपको सामान दिया है तो आप मुझे कोई रियल, जैसे मान लीजिए मैं आपको कार बेच रहा हूं, मैं बोलूंगा कार मैंने बेचा तो मुझे नहीं, मुझे आप गेहूं के बोरे ला करके दो जिसमें गेहूं बहुत सारा भरा हो, और मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूं जो है वो 2,000 रुपए का मान लेते हैं, और मेरी 2 लाख की कार है तो आप मुझे 100 बोरे गेहूं ला करके दो तभी मैं आपको कार दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? मैं कानूनी उस चीज को ऑनर करने के लिए भी बाध्य हूं। अब यहां पर एक चीज आती है, तो कभी कभी मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कार खरीदनी है तो एक इंसान आया उसने बहुत बड़े बड़े बोरे में सिक्के भर के ला करके मुझे दे दिए, तो ऐसे तो मुझे सिक्के काउंट करने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, और कभी कभी मूवीज में ऐसा सीन दिखा भी देते हैं, वहां पर मैं लीगली मेरा अधिकार है कि नहीं आप मुझे सिक्के दे सकते हो लेकिन 1,000 रुपए से ज्यादा का अगर ट्रांजेक्शन है तो आप मैक्सिमम 1,000 रुपए के ही सिक्के दोगे, उसके ऊपर अगर आप सिक्के दे रहे हो तो मैं मना कर सकता हूं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को पागल कर दो सिक्के सिक्के दे करके, 5 लाख की कार खरीदने गए और सिक्के सिक्के दे दिए, ऐसा नहीं होगा। तो एक तो ये चीज है, अगर आप 1 रुपए से कम वैल्यू के सिक्के दे रहे हो तो एट मैक्स 10 रुपए तक का दो, वो मानने के लिए सामने वाला इंसान बाध्य है। आप 10 से ऊपर दे रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं बोल दूं कि नहीं नहीं 10 रुपए से ज्यादा मुझे चाहिए था और आपने सारे 50-50 पैसे के सिक्के ला करके दे दे रहे हो तो वो भी नहीं माना जाएगा, और अब तो प्रचलन में है भी नहीं 50-50 पैसे का सिक्का, तो वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जैसे वही चीज लिखी हुई है, 1 रुपया उससे अधिक कीमत के सिक्के अधिकतम 1,000 रुपए तक के लिए ही कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार होंगे। मतलब सामने वाला बोल सकता है कि नहीं हमें इससे ज्यादा सिक्के नहीं चाहिए, आप मुझे कैश में पेमेंट करो बाकी नोट्स में, ठीक है, वो ऐसा कह सकता है। 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपए का सिक्का अधिकतम 10 रुपए की राशि के लिए ही कानूनी रूप से स्वीकार होगा। ये ऐसा नहीं करना, मतलब सिर्फ आपको एक अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए चीज लिख दी है। अब आ जाते हैं हम लोग मुद्रा की आपूर्ति पर ही। बचत अथवा चालू खाते में आहरित चेक को किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। अच्छा, तो फियाट मनी या वैध मुद्रा लीगल टेंडर, क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर, इंग्लिश में लीगल टेंडर,
तो जो भी नोट है ना वो कोई मना नहीं कर सकता। आपने किसी को नोट दिया, आपने 500 रुपए का सामान खरीदा, आपने उसको 500 रुपए का नोट दिया, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपने उसको 500 रुपए की चेक दी तो वो मना कर सकता है। तो क्योंकि चेक को मना किया जा सकता है, इसलिए चेक्स को हम लोग लीगल टेंडर नहीं बोलते हैं, लेकिन रुपए को, नोट को लीगल टेंडर बोलते हैं, क्योंकि वो वैधानिक रूप से सारे लोगों को स्वीकार करना ही होता है। अच्छा, आगे बात समझ में। तो क्या हुआ, बचत अथवा चालू खाते में आ रहे चेक को किसी के भी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, लोग मना कर सकते हैं चेक एक्सेप्ट करने से, इसलिए हम लोग उनको क्या बोल देते हैं कि वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन नोट्स को मना नहीं कर सकते। अरे बात समझ में। अच्छा, अब समझिए, वैधानिक परिभाषाएं संकुचित और व्यापक मुद्रा, लीगल डेफिनेशंस नैरो और ब्रॉड मनी क्या होती है, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक होगा, शायद सोचा था कि ये वाला कवर हो जाएगा पूरा, बट इसको हम लोग कर लेंगे, जिसमें कुछ थोड़ा सा इनकम्प्लीट हमारे बुक्स में, तो उसको कंप्लीट करते हुए जो भी उसमें गैप्स हैं उसको इंक्लूड करते हुए मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा ये वाला टॉपिक अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए। ये तो बहुत जनरल नॉलेज वाला वीडियो था, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ लोगों के डाउट्स को दूर करेगा, जो मैंने सोचा था शायद इस वीडियो में कवर हो पाएगा, बट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए सारे लोगों को ऑल द बेस्ट। नोट्स बनाते जाइए। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर नोट्स नहीं है, नोट्स इसलिए नहीं है यार क्योंकि मैं लेक्चर वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम तो उतना ही है, और एक बार जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, बिजनेस इज अकाउंटेंसी है, फिर बाकी और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में साइंस भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं जिस पर काम नहीं कर सकता क्योंकि वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी आप लोग ध्यान रखिए, बोर्ड के लिए मेरे दिए हुए नोट्स आपके लिए उतने यूजफुल नहीं होंगे जितने आपके खुद के बनाए हुए नोट्स। खुद कैसे नोट्स बनाना है, लेक्चर वीडियो देखा, आपने नोट्स बना लिए, फिर आपको नोट्स से रिवाइज करना है, और नोट्स से रिवाइज करने के टाइम पर जहां पर आपको डाउट हो रहा है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वापस जाकर के वीडियो देखना है, फिर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पूछना है, ठीक। तो ये प्रोसेस है, और अगर आपने ये प्रोसेस की, अभी कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर एक महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, यार सारे वीडियोस मिलाकर के 48 घंटे का कंटेंट इकोनॉमिक्स का, 2 दिन का कंटेंट है, 2 दिन में आप सारे वीडियोस देख डालो, 24 घंटे तो नहीं जगोगे लेकिन 4 दिन में तो देख ही सकते हो 12-12 घंटे, अगर इतना अच्छे से पढ़ाई करना ही है तो, ठीक, 7 दिन में तो आराम से देख सकते हो, 1 सप्ताह बहुत है। तो अपने को नोट्स बनाना है और अपने ही नोट्स से पढ़ना है, ठीक। तो वो आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी जो आपके लिए काफी कम टाइम में अच्छे से बोर्ड के टाइम पर रिविजन करने में हेल्प करेगी, और वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, आगे की अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये तरीका होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।